बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले में 45 फोन नंबर की जांच हो रही है। इन्हीं 45 मोबाइल के व्हाट्सएप से पेपर लीक किए गए थे। डिलीट जो व्हाट्सएप मैसेज किए गए हैं उनको भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है और साथ ही अब ये उम्मीद है कि मास्टरमाइंड जो इस पूरे सीबीएसई पेपर लीक कांड का है उस पर उसको लेकर जल्द खुलासा हो सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, 6 छात्रों को हजारीबाग रिमांड होम भेजा गया है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। चतरा से 6 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। कोचिंग संचालकों से पुलिस की पूछताछ जारी है। छह तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 25 अप्रैल को अब अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी जो कि रद्द की गई थी। गणित का जो पेपर रद्द हुआ था दसवीं का, वो कब होगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत हुई, अभी जांच चल रही है, जरूरत हुई तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में ही सिर्फ एग्जाम होंगे। तर्क यह दिया जा रहा है सीबीएसई की ओर से कि जो लीक है वो रेस्ट्रिक्टेड है इन स्टेट्स में। इस बीच रिमांड होम में भेजे गए हैं 6 छात्र। तीनों तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हुई हैं। कोचिंग संचालकों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 45 मोबाइल्स की जांच हो रही थी। ये वही नंबर्स हैं जिनके व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके पेपर लीक कथित तौर पे किया गया और जो पुराने डिलीटेड मैसेजेस हैं उनको भी रिकवर करने की टीम कोशिश कर रही है। और मास्टरमाइंड इस पूरे लीक के पीछे कौन है ये भी ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की भी मदद लगातार ली जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कहां है सीबीएसई पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड और कौन है उसको लेकर खुलासा जल्द हो सकता है, जिस तरीके से 45 फोन नंबर्स की जांच चल रही है। इस बीच चतरा नवोदय विद्यालय से पूरा कनेक्शन, 6 छात्र रिमांड होम में भेजे गए हैं। और इंडिया न्यूज के जो बड़े सवाल है कि सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में ही गणित की परीक्षा क्यों और किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक हुए वो रेस्ट्रिक्ट रहे इन्हीं स्टेट्स में, खासकर तब जब व्हाट्सएप के जरिए पेपर कहीं भी पहुंच सकता है। राकेश बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही सवाल यह भी है मैत्री कि आखिरकार सीबीएसई को यह भरोसा कैसे हो गया और क्यों हो गया कि पेपर कहीं और नहीं पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई दूसरी मंशा है या फिर अपने इमेज को बचाना चाहती है सीबीएसई? और इस पूरे प्रकरण का दंश वो बच्चे झेल रहे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है और जिन्होंने ईमानदारी से अपनी परीक्षा जो है वो दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका सवाल भी यही है कि अगर सिस्टम लीक है तो इसका खामियाजा वो क्यों भुगते हैं? बिल्कुल।